छाता भी कैरी कर लेती हूँ, साड़ी में मैं रील शूट करती हूँ। टॉयलेटरीज और स्किन केयर के बारे में थोड़ा, इंडियन वेयर भी मैं कैरी कर रही हूँ। सबसे पहले तो टी शर्ट वगैरह रख रही हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों को बताएं, कल से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं 10 डेज के लिए ट्रिप में जा रही हूँ। बेंगलोर, मैसूर, ऊटी, कुर्क और एक जगह है, और बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर द एंटायर जर्नी विथ यू। बट सबसे पहले इम्पोर्टेंट है पैकिंग, तो आज का ब्लॉग उसी से रिलेटेड बनने वाला है जो मैं 10 डेज के लिए जा रही हूँ। तो चले शुरू करें आज का ब्लॉग, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कपड़ों की, क्योंकि आपको कंफर्टेबल कपड़े चाहिए होंगे, क्योंकि ये ट्रिप काफी लोकेशन कवर कर रहे हैं, सिटी, हिल स्टेशन। शुरू करें कपड़ों से। तो सबसे पहले तो मैं कुछ टी शर्ट, कैजुअल टी शर्ट जो है वो कैरी कर रही हूँ, और साथ में शॉर्ट्स भी रख रही हूँ, थोड़ा स्टाइलिश भी हो, जीन्स भी रख रही हूँ, साथ में शॉर्ट टॉप भी रख रही हूँ ताकि पिक्चर्स अच्छे आए। तो चलो डालते हैं अभी बैग में। मैं वेस्टर्न आउटफिट रख रही हूँ, वन पीस रख रही हूँ, ड्रेस रख रही हूँ, इंडियन वेयर भी मैं कैरी कर रही हूँ ताकि वहां पर टेंपल वगैरह जाना पड़े तो वो पहन के जा सकती हूँ। एक साड़ी तो रखूंगी, अभी पता नहीं 10 डेज के लिए कितना मेरा बैग जो है हैवी होने वाला है, क्योंकि ये एक बैग है और एक स्मॉल बैग भी मैं लेने वाली हूँ, और मैं एक्स्ट्रा एक दो जोड़ी कपड़े जरूर रखूंगी ताकि मुझे कम ना पड़ जाए वहां पर जाके कि मैं ये नहीं लाई वो नहीं लाई, क्योंकि एंड टाइम पे मैं भूलती भी बहुत कुछ हूँ। तो चलो फटाफट मैं ये करती हूँ। मैं 2-3 शॉर्ट स्कर्ट भी रख रही हूँ, पता नहीं कब क्या काम पे आ जाए। ऊटी और कुर्क में मैंने सुना है कि ठंड है, बारिश भी है वहां पर कुर्क में, सेफ्टी पर्पस के लिए टाइट्स भी रख रही हूँ, नाइट ड्रेस भी रख रही हूँ, सॉक्स ले लिए और प्लस स्टॉकिंग्स ले लिए, और एक थिक वाले लेगिंग्स भी लिए मैंने, क्योंकि शॉर्ट ड्रेसेस लेके जा रही हूँ तो अगर ठंड लगी ऊटी और कुर्क में तो शॉर्ट ड्रेस के नीचे ये मैं पहन सकती हूँ ताकि मैं ठंड के मारे थरथराओ नहीं। जैकेट्स भी मैंने ले ली है ठंड में पहनने के लिए, अब पता नहीं वहां पर कितना ठंड है। सेफ्टी के लिए मैं ये कार्गो पैंट्स भी रख रही हूँ, मुझे ठंड बहुत लगती है तो ये मेरी माँ ने मुझे बर्थडे पे दिया था स्टॉल, तो ये भी ले लेती हूँ। कुर्क में बहुत बारिश हो रही है जैसे कि मैंने कहा था, तो ये छाता भी कैरी कर लेती हूँ। ऑलमोस्ट पैकिंग मैंने कर ली है, अब वहां घूमने जा रही हूँ तो डेफिनेटली मैं रील्स वगैरह तो बनाऊंगी, तो उसके लिए भी मैं थोड़े बहुत कपड़े कैरी करूंगी। नॉर्मली मैंने जितने भी कपड़े लिए स्टाइलिश कपड़े रखे हैं, तो उससे रिलेटेड जो मेरे कपड़े होते हैं थोड़े से हॉट शॉट वो भी मैं रख लूंगी। पता नहीं, डिपेंड्स करता है मैं कब कहाँ किस वक्त जा रही हूँ, तो अगर मौका लगेगा तो वहाँ पर कुछ नहीं टॉप वगैरह चेंज कर लूंगी और फटाफट रील्स शूट कर लूंगी। सैंडल भी कैरी कर रही हूँ, एक जोड़ी सैंडल इनफ है, बाकी स्नीकर वगैरह ले लूंगी मैं। मैं सच में अभी भी कंफ्यूज हूँ कि पता नहीं सब कुछ प्रॉपरली रख रही हूँ कि नहीं रख रही हूँ, कहीं वहाँ जाके मुझे ऐसा ना लगे कि ये मिस हो गया वो रह गया, सोचना पड़ेगा। मैंने रील शूट करने के लिए 2 टॉप वगैरह रख लिए, क्योंकि लोअर वेयर तो मैं ले चुकी हूँ, उसके साथ 2 हॉट टॉप रख लिए मैंने, एक साड़ी ले ली है मैंने, साथ थोड़े से एक्सेसरीज भी ले ली, तो ऑलमोस्ट फिर मेरा पैकिंग डन हो जाएगा, और अगर कुछ भूल गई तो कान हेल्प इट। मिसलिनियस आइटम लाइक ग्लेयर्स वगैरह ये भी रख लेती हूँ, कैप। अब बारी है ब्लॉग जो शूट करूंगी, रील्स वगैरह बनाऊंगी, ट्राईपॉड और ये हैंडी छोटा सा जो है, एक में तो ऑलरेडी शूट कर रही हूँ तो ये शूट होने के बाद इसको रखूंगी, ये तो मैं पर्स में कैरी कर लूंगी, और जो जिस पे शूट कर रही हूँ ये मुझे बैग में रखनी पड़ेगी। सो ऑलमोस्ट सब हो चुका है, अब रह गया है खाली मेरा मेकअप, स्किन प्रोडक्ट और टॉयलेटरीज।
सो अब टॉयलेटरीज और स्किन केयर के बारे में थोड़ा सा बात हो जाए, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं आप, तो स्किन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मैंने मेरा मॉइस्चराइजर, सीरम, फेस वॉश ये सब भी कैरी कर रही हूँ, और साथ में सनस्क्रीन लोशन तो मस्ट है कैरी करना। तो ये थी मेरी पैकिंग फॉर अ 10 डेज ट्रिप, और आप लोगों को मेरे सारे ब्लॉग के थ्रू ही ये ट्रिप देखने मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ सीधा कल एयरपोर्ट में, सी या।